कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरा कंटेंट है कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फोटो देख रहे हैं जो कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट काफी ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है। तो इसको लॉन्ग वीडियो को किस तरह से हमें अपलोड करना है इंस्टाग्राम में, उसका क्या ट्रिक है, कहाँ से अपलोड करना चाहिए, कितना रिवोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ देखिए लॉन्ग वीडियो पे काफी मिलियन में 10 लाख व्यू आ रहा है और लाइक आ रहे हैं। तो आपको मतलब कि अपने इंस्टाग्राम पे लॉन्ग वीडियो आप किस तरह से अपलोड करेंगे, यहाँ देखिए इसका रिवोल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ 411 KB का फोटो है और रिवोल्यूशन इसका 344x1280 है। काफी हाई ट्रेंड का वीडियो फोटो है दोस्तों। तो इसको किस तरह से आपको अपलोड करना है, आपको करना क्या है, आपको गूगल खोल लेना है या क्रोम खोल लेना है और यहाँ आपको टाइप कर देना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपका फेसबुक से इंस्टाग्राम लिंक है या इंस्टाग्राम में फेसबुक लिंक है, दोनों अटैच है, तब आपको मेटा बिजनेस सूट लॉग इन करना पड़ेगा। यदि आप इंस्टाग्राम पे ही करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम फोटो इंस्टाग्राम स्टूडियो फॉर क्रिएटर स्टूडियो फॉर इंस्टाग्राम, सॉरी दोस्तों एक बार फिर से आप समझ लें, यदि आपका इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक है तो आपको मेटा बिजनेस सूट पे लॉग इन करना होगा। यदि आप खाली इंस्टाग्राम लॉग इन करना चाहते हैं क्रोम में तो क्रिएटर स्टूडियो फॉर इंस्टाग्राम आपको टाइप करना होगा। तो चलिए हम क्रिएटर स्टूडियो फॉर इंस्टाग्राम टाइप कर देते हैं। यहाँ देखिए क्रिएटर स्टूडियो फॉर इंस्टाग्राम मैंने टाइप कर दिया है। पहला जो वेबसाइट आया business.com business.facebook.com इंस्टाग्राम क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक बिजनेस मैनेजर, पहले वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्रिएटर स्टूडियो बंद होने वाला है, इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको घबराना नहीं है। इससे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल में 3 डॉट होगा, यहाँ एरो रेड होगा, तो वहां करके आप इसको क्या करेंगे कि डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट रहेगा तो यह अच्छा से काम करेगा। पीसी टैबलेट या कंप्यूटर में कर रहे हैं तब तो आपको डेस्कटॉप करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन यहाँ आपको डेस्कटॉप कर लेना होगा। डेस्कटॉप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ इंस्टाग्राम लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है, ग्रीन पट्टी है, तो यहाँ आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन आपको कैसे करना है, इंस्टाग्राम लॉग इन पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ आप मतलब कि क्रोम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रोम पे क्लिक करेंगे यहाँ आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आप यहाँ देख सकते हैं फोन नंबर यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देन लॉग इन। आपको करना क्या है कि आपको यूजर नेम हो या फोन नंबर हो या ईमेल हो तो आपको पासवर्ड डाल के यहाँ लॉग इन कर लेना है। मैंने लॉग इन ऑलरेडी कर लिया है, यह देखिए मेरा हिंदी में है, यदि आपका इंग्लिश में होगा तो क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे और हिंदी में है तो पोस्ट बनाए पर आपको जाना है। यहाँ देखिए पोस्ट बनाए, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ लोगो आइकन और नेम के नीचे पोस्ट बनाए आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे पोस्ट बनाए आइकन पर आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको जो भी फोटो अपलोड करना है आपके गैलरी में सेव होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ टेक्स्ट लिख लेना है क्योंकि फोटो अपलोड करते वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा और ना तो ही आपको फुर्सत मिलेगा कि आप टेक्स्ट लिख लें। तो आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, मैं श्री रामचंद्र जी का फोटो अपलोड करने वाला हूं तो राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम, इसके बाद इमोजी लगा दिया है भगवान का दर्शन करने के बाद, प्लीज लाइक कर दे जय श्री राम राम जी। इतना लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, फोटो वीडियो जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए फोटो वीडियो जोड़े पर आपको क्लिक करना है, फोटो वीडियो या इंग्लिश में होगा तो फोटो वीडियो मीडिया होगा, हिंदी में है तो फोटो वीडियो जोड़े पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोटो वीडियो जोड़े पर क्लिक करेंगे यहाँ डेस्कटॉप से अपलोड करें पर आपको क्लिक करना है, फोटो से वीडियो बनाए इस पर नहीं क्लिक करना है, डेस्कटॉप से अपलोड करें इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी खुल जाएगी, यानी आपको फोटो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद यहीं देखिए मेरा 421 KB का फोटो है जो कि JPG में है, इसी पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ प्रकाशित करें हिंदी में होगा और शेयर करें इंग्लिश में होगा, तो प्रकाशित करें चंद सेकंड से भी कम में अनेबल होगा और ऑफ हो जाएगा, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है। मीडिया फाइल अपलोड हो रही है, यहाँ आपको बराबर ध्यान रखना है, जैसे हम ब्लू हो इसको आपको प्रेस कर देना है, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, जल्दी अपलोड नहीं करने देता है। यहाँ देखिए एक बार मेरा मिस हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि चुनी गई एक से अधिक उससे फोटो इंस्टाग्राम से रेस्क्यू में स्टैंडर्ड, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या करना है
कि जैसे ही मतलब कि अनेबल होता है उसको आपको बार बार प्रेस करना है, प्रकाशित करें, वह जन सेकंड में ही अनेबल होगा और डिसेबल हो जाएगा, आपको ऑप्शन ही नहीं देगा मतलब अपलोड करने के लिए। तो आपको बार बार प्रेस करना है, बार बार प्रेस करते रहना है। यहाँ देखिए मेरा पोस्ट हो रहा है, आपकी पोस्ट प्रकाशित की जा रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, 10:12 पे मैंने अपलोड किया था, यह अपलोड अभी हो ही रहा है। यहाँ देखिए 10:13 हो गया है, फिर भी अभी अपलोड ही हो रहा है, और यहाँ देखिए 10:15 हो गया, फिर भी अपलोड हो रहा है। तो यह क्लियर हो गया है कि अब अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है, यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ। अब चलिए आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि फोटो अपलोड हुआ है कि नहीं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। देन आपको क्या करना है कि आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से देखिए राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम, भगवान का दर्शन करने के लिए कर लिए हैं तो प्लीज लाइक कर दें। फोटो मेरा सेंड हो चुका है, शेयर हो चुका है, प्रकाशित हो गया है इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।